हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी लोटस प्रोफेशनल फाइटोक्स आरएस स्किन ब्राइटनिंग एंड क्लेरिफाइंग एसेंस के बारे में। तो ये जो एसेंस है वो सभी स्किन टाइप के लिए और मेरे स्किन केयर में जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। ये मेरी सेकेंड बोटल है, एक बोटल मैं इसकी पहले ही फिनिश कर चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताती हूँ आगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अनबॉक्स द ब्यूटी। तो दोस्तों, लोटस प्रोफेशनल एसेंस का जो सीसी है वो इस तरीके की पैकिंग के अंदर आती है। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये स्किन ब्राइटनिंग एंड क्लेरिफाइंग के लिए एसेंस है। इसके पीछे से यूज़ करने का तरीका लिखा है कि आपको सुबह शाम इसे यूज़ करना है। यहाँ पे इसके एक्टिव इंग्रीडियंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे लेमन ग्रास जो एंटीऑक्सीडेंट में रिच होती है, ग्रेप सीड ऑयल और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, लाइट करता है, कॉम्प्लेक्स को इन्हेंस करता है। तो ये जो है इसके सारे इंग्रीडियंट्स सारे हर्बल हैं और ये इसके अंदर सबसे अच्छी बात है। इसको पीछे देखते हैं आप तो इसके प्राइस है कि ये 575 का है और इसकी क्वांटिटी जो है वो 60 ml है। तो सब कुछ जो है वो इसके बॉक्स के ऊपर आसानी लिखा हुआ है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। तो सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये एक पॉलीथीन के अंदर काफ़ी अच्छे से बेल्ट प्रोटेक्टेड है और बहुत अच्छे से पैक होकर आया है। तो यहाँ से आप इसकी पॉलीथीन हटा सकते हैं। तो ये जो है ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस का इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो ओवरऑल ये बात करें तो ये हर्बल है पूरा। तो आप इसे खोल के देखते हैं तो इस तरीके की इसके अंदर बोतल निकल के आती है। तो ये जो बोतल है तो आप देखिए इसका कलर थोड़ा एसेंस की वजह से अलग है और जो पहली थी वो खाली थी, इसलिए थोड़ा वो डार्क ग्रीन लग रहा था। ये जो है इसके ऊपर वही सब लिखा है जो बॉक्स पे लिखा था। ये इस तरीके की कैप के अंदर क्लोज है जो बहुत अच्छे से क्लोज है, तो ये वेल प्रोटेक्टेड है और इसी वजह से ये लीक नहीं करता है। मैं आपको इसका स्वेच करके दिखाती हूँ। तो टेस्ट इसका आप करते हैं तो देखिए ये इस तरीके का एसेंस इसके अंदर प्रेजेंट है जो बहुत ही माइल्ड फ्रेगनेंस है जिसके अंदर, और बहुत ही आसानी से आपकी स्किन के ऊपर ग्लाइड हो जाता है और एब्जॉर्व हो जाता है। ये आपके स्किन के ऊपर कोई छोटी पूरी जैसे छोटे पूरे एक्ने वगैरह होते हैं तो उन्हें भी नहीं होने देता है। इस वजह से ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है और फ्लॉलेस होने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर लगती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपकी एक्ने वगैरह को प्रिवेंट करता है, तो इस वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाती है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आप अगर मेजर कोई प्रॉब्लम है स्किन तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपकी हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बेस्ट है। और ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और स्किन को क्लेरिफाइंग करता है, तो इस वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन क्लियर है तो आपको ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप मिनिमम मेकअप लुक यूज़ करते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है। वैसे CTM जो है वो हमारा नॉर्मल बेसिस का स्किन केयर होता है, तो उसमें अगर आप इसे ऐड करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ग्लोइंग बनाता है। ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस इससे पूछें तो मेरा एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इसकी सेकेंड बोतल भी मंगाई है। तो आप चाहें तो इसे एक ट्राई दे सकते हैं। ओवरऑल ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई होप कि ये आपको भी पसंद आए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।